देखिए, इस तरह का कंडीशन अगर आपको बनता है गूगल पे या फोन पे में, कहीं पे भी इस तरह का कंडीशन आता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो जो कि प्रोसेसिंग में है या होल्ड में चला गया है, तो आप और कोई भी वीडियो मत देखिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये सबके पीछे गूगल पे या फ़ोन पे उसका किसी का भी हाथ नहीं होता है, ये थर्ड पार्टी यानी आपके बैंक टू बैंक में ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ये अटक जाता है। अब देखिए, अगर आपका बैंक से पैसा कट चुका है और जिसके बैंक में आप पैसा भेजना चाहते थे उसके बैंक में अभी तक नहीं गया है, तब उसके बैंक में हो सकता है 2-3 दिन में चला जाएगा, जिसको गूगल पे लिख भी रखा है इधर, 2-3 या 4 दिन में चला जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो आपके बैंक में रिटर्न आ जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जस्ट आप कुछ मत कीजिए, दोबारा पेमेंट मत कीजिए, जो भी होगा सही होगा। अगर आपका पेमेंट आपका अमाउंट कट चुका है फिर भी आपका जो रिसिपिएंट है जिसके बैंक में आप भेजना चाहते थे उसके बैंक में नहीं पहुंचा है और 2-4 दिन के ज़्यादा हो जा रहा है, तब आप एक काम कीजिए, तब आपको अपनी बैंक में कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको सॉल्व होगा। नहीं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसी